हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 28 मार्च 2024 है और आज जितने भी सारे तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते थे उन सारे की सारी मैं इस वीडियोस में कंप्लीट जो ट्यूटोरियल होती है वो इंक्लूड है। तो आप लगातार लगे रहिए, ये पूरी की पूरी जो क्लास होती है वो पूरी की पूरी आपको फुल्ली ट्रिक पर मौजूद होती है। आपको अलग से कोई भी इस पे एक्स्ट्रा टाइम देने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसको बस शुरू से लेकर के अंत तक आपको देख लेनी है और वीडियो जो है वो आपको पूरी की पूरी याद हो जाएगी। अगर आप इस पूरी क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने फोन में सिक्योर रखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इस पीडीएफ का लिंक, जिसको पर क्लिक करके आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और बाकी सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर को पढ़ाते हुए। आज हम लोगों का टीम का 24 दिन हो चुका है और आज का जो सबसे मोटिवेशन लाइन है कि दोस्त, किताब रास्ता और सोच सही हो तो जीवन को बेहतरीन बना देते हैं। अगर आपकी जो आपको बताओ कि दोस्त, आप वो इंसान होते हैं जिसके साथ आप हमेशा बैठते उठते हैं, मतलब कि आप वो 5 लोगों का मिश्रण है जिनके साथ आप उठते बैठते और खाते हैं। तो अगर आपके अच्छा फ्रेंड नहीं है तो उनके साथ ही आप अच्छे फ्रेंड को बनाइए, और अगर अच्छे फ्रेंड आपको नहीं है तो उनको जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको उससे घाटा हो रहा तो आप उनके साथ टाइम में क्यों स्पेंड कर रहे हैं। तो उनको जल्द से जल्द आप छोड़ दीजिए, आप ऐसे फ्रेंड सर्कल को बनाइए और अच्छे अच्छे बुक्स को एक्सप्लोर करिए, अच्छे अच्छे थिंकिंग को रखिए ताकि आपकी जो है वो दिन अच्छी रहे। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि स्वामी सरनानंद का निधन हो गया है, उनका संबंध किस संस्थान से रहा है। स्वामी स्वामी सरनानंद हैज पास्ड अवे, ही हैज बीन एसोसिएटेड विथ इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन कौन हो जाएगा राइट आंसर इसका? रामकृष्ण मिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामकृष्ण। स्वामी 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 स्मरणानंद का निधन हो गया है, उनका संबंध किस संस्थान से रहा है? आपको पता हो कि वो उनका जो संबंध रहा है वो आपका रामकृष्ण, क्या हो जाएगा था आपका रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। रामकृष्ण स्वामी सरनानंद जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कुछ इस टाइप से देखते हैं, इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्वामी स्मरणानंद का निधन हो गया है। तो रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी सरनानंद जो थे उनका हाल ही में निधन हो गया। रामकृष्ण मिशन के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो आपका थे स्वामी स्मरणानंद थे। स्वामी स्मरणानंद 2017 में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बने थे, यानी कि लगभग लगभग 7 साल जो है वो रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष रहे। स्वामी स्मरणानंद का जन्म हुआ था 1929 में तमिलनाडु के तंजावुर में अंदामी गांव में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था, मुझे ये हैरत लगती है कि स्वामी स्मरणानंद जो है उनका जन्म हुआ था 1929 में, मतलब कि इन्होंने जो आजादी के सब मामला जो था, गुलामी का जो मामला जो था वो इन्होंने देखे थे, जिनका जो है वो आज निधन हुआ। तो स्वामी स्मरणानंद का जन्म जो हुआ था वो 1929 में तमिलनाडु के तंजावुर में अंदामी गांव में हुआ था। परिचय संजीवनी की बात कर लेते हैं तो आपका रामकृष्ण मिशन के बारे में जानते हैं। इनका जो स्थापना जो हुई थी, इनके स्थापना 1897 में 1 मई को हुई थी, जिसका जो संस्थापक कर्ता थे वो आपका स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जो थे वो 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की क्या किए थे, स्थापना किए थे। मुख्यालय इसकी जो है वो बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है।
तो याद रखिएगा इन तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है कि रामकृष्ण मिशन की जो होती है, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1857 में 1 मई को हुई थी, और इसके जो संस्थापक जो हुआ करते थे वो आपका स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे, और जिसकी मुख्यालय बनाई गई थी पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ को बनाई गई थी। रामकृष्ण मिशन के मामले में और भी कुछ बातें जान लेते हैं कि इस मिशन का आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। तो इस मिशन जो रामकृष्ण मिशन था, इनका जो आध्यात्मिक गुरु जो थे, मतलब कि स्वामीनंद के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो कौन थे, तब गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ये जो है मिशन रखा गया था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो आप कहेंगे रामकृष्ण परमहंस, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं वो रामकृष्ण परमहंस थे। कार्य कार्य जो था वो ज्ञान भक्ति कर्म और राजा योग को राजयोग का प्रचार करना था। हाल ही में निधन हुए, अब निधन की बात आ गई, तो हाल ही में निधन हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पूर्व नेवी चीफ एडमिरल रामदास को हाल ही में निधन हो गया है। कपिल देव प्रसाद जो कि आपका पद्मश्री सम्मान प्राप्त करता थे, उनकी हाल ही में निधन हो गया है, कपिल देव की। उसके बाद में अजीत कुरैशी जो कि यूपी के पूर्व राज्यपाल हुआ करते थे, उनकी हाल ही में निधन हो गया, अजीत कुरैशी यूपी के पूर्व राज्यपाल थे। और आपका ब्रायन मुलरोनी जिनका कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, वह किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की मांग कर रही थी। सोनम वांगचुक हैज इंडेड हिज हंगर स्ट्राइक, ही इज डिमांडिंग विच यूनियन टेरिटरी टू बी मेड अ फुल स्टेट। तो फुल स्टेट बनाने के लिए, मतलब कि पूर्ण राज्य बनाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठने वाले सोनम बांगचुक जो है वो किसकी मांग कर रहे थे, तब पे लद्दाख की बात कर रहे थे। अच्छा, इसको हम लोगों ने ट्रिक से नहीं देखा, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनती है उसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं। जैसे देखिए, स्वामी स्मरणानंद का निधन हो गया, उनका संबंध किस संस्था से था। स्वामी स्वामी स्मरणानंद से हमें ध्यान आती है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में बात हो गई हुई है। स्वामी विवेकानंद जो थे वो आपका बहुत ही महान व्यक्ति थे, मतलब कि महान व्यक्ति का मतलब वो कृष्ण की तरह थे, राम और कृष्ण की अवतार के स्वामी। हाँ, स्वामी विवेकानंद को हम लोग क्या मानते थे, तो वो उनको मानते थे, राधा मानते थे, कृष्ण मानते थे, राम मानते थे। तो वही स्वामी स्वामी स्मरानंद, मानी कि उसका जो उनका जो स्वामी विवेकानंद को जो था वो आपका उसका नाम जो है वो स्मरण था, और स्वामी मतलब हम लोग समझ ही गए कि स्वामी स्मरानंद नंद स्वामी मतलब विवेकानंद, और विवेकानंद को हम लोग मानते थे राम मानते थे, कृष्ण मानते थे। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसमें और इम्पोर्टेंट है, ये तो 1929 में तमिलनाडु के तंजावुर में अंदामी गांव में हुआ था, ये तो आपको याद होगा। उसके बाद में इसको हम लोग याद करना है कि रामकृष्ण मिशन, तो आप देख लीजिए कि कितना हो जाएगा कि रामकृष्ण मिशन को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो विश्व कप जीता था वो कब जीता था, आप कहेंगे हम लोगों ने विश्व कप जो जीता था वो कब जीता था, नहीं विश्व कप से रिलेटेड नहीं होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुई थी 1897 में हुई थी। अच्छा, कोई ऐसी घटना है जो आपका जो है वो कब हुई थी, 1897 में हुई थी, तो आप कहेंगे ऐसा तो कोई घटना मुझे तो फिलहाल ध्यान ही नहीं बिल्कुल आ रहा। तो 1897 में आप ध्यान रख लीजिए कि 1897 से रिलेटेड कुछ अगर घटना हुआ है तो आप उसको ध्यान रख लीजिए। 1897 में अगर कोई घटना नहीं हुई है तो 1893 में हुई है। 1893 में भी आपको कुछ नहीं हुई है। फिर आपका जो हुई है 1800, आप ऐसे याद रख सकते हैं, 1857 की क्रांति हुई थी और वो हुई थी 10 मई को। तो मेरठ शहर में आपका जो हुआ था, आपको पता होगा कि मेरठ शहर में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को क्या क्या दिया था, विद्रोह कर दिया था, जला दिया था। तो 10 मई 1857 को हुआ था।
तो आप ऐसे देखिए कि 10 मई जो है उससे पहले यानी कि 9 दिन पहले यानी कि 1 मई को 1857 नहीं बल्कि 97 ऐसा 1857 नहीं बल्कि 97 रामकृष्ण मिशन जो है वो जन्म ले लिए थे। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं जिसकी संस्थापक था वो आपका रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन राम और कृष्ण की तरह हम लोग मानते थे स्वामी स्वामी विवेकानंद को। और मुख्यालय जो है वो आपका बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाकी याद करने वाले ये तो है नहीं। और पूर्व नेवी नेवी चीफ जो है वो एडमिरल रामदास है, इसको बस एक बार रिकॉल कर लीजिए। पूर्व नेवी चीफ जो है एडमिरल रामदास है और पद्मश्री सम्मानकर्ता जो है वो आपका कपिल देव प्रसाद है। कौन है? तो आपका पद्मश्री सम्मान प्राप्त करता जो है वो आपका कपिल देव प्रसाद। आप इसको कैसे याद रखें, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूर्व नेवी चीफ, नेवी मतलब होती है, नेवी मतलब क्या होती है आप समझते हैं? नेवी मतलब होती है पानी होती है। और पानी में जो है पानी में जो काम करती, पानी में जो काम करती है उसको एक भी छुट्टी नहीं रहती। मतलब उसको ऐड करने की, मतलब ऐड जो होती है, ऐड मतलब होती है छुट्टी। तो ऐड उसको एक भी ऐड करने की छुट्टी नहीं मिलती है। तो ऐड मिरल रामदास हो जाएगा। पद्मश्री सम्मान प्राप्त करता जो है आपका कपिल देव है। अच्छा, कपिल कपिल देव, कपिल देव से आपको याद आती है कि जो क्रिकेट में खेलने वाले थे और वो सबसे मतलब कि अच्छे खेलते खेले थे, तो उनको कि पद्मश्री सम्मान मिला था। तो ऐसे याद रखे। यूपी के पूर्व राज्यपाल तो अजीत कुरैशी था। यूपी के पूर्व राज्यपाल, तो यूपी के पूर्व जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं? अजीत होते हैं, मतलब कि अमर हो गए हैं, अब उनका नाम हमेशा रहेगा। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री आपका ब्रायन मूल रोली था। कौन था? बनारी कनाडा, कनाडा से आप याद रखते हैं कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री, इसको याद करने से कोई फायदा नहीं। सोनम वांगचुक, आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन, सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, वह किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की मांग की है? सोनम वांगचुक हैज एंडेड हिज हंगर स्ट्राइक, ही इज डिमांडिंग हिज यूनियन टेरिटरी टू बी मेड अ फुल स्टेट। तो वो लद्दाख को, अब इनके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 मार्च 2024 को 21वें दिन अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। लद्दाख के लोगों की मांग को लेकर के 6 मार्च से अनशन पर था। तो 6 मार्च से 26 मार्च यानी कि लगभग लगभग 21 दिन वो हंगर स्ट्राइक पर रहे थे। सोनम बांगचू को कौन नहीं जानता? सोनम बांगचू को वो इंसान थे जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी निकली थी, जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी निकली थी। और इनकी जो रोल निकला था वो आपका रोल जो किया था वो आमिर खान ने किया था। आमिर खान वहां पे फेमस थे लेकिन सोनम वांगचुक उतना फेमस नहीं थे। चलिए अब सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों की मांग के बारे में बात कर लेते हैं। तो लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाया जाए इसकी जो है वो सोनम वांगचुक ने लद्दाख के मामले में मांग किया था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का मांग बनाया जाए, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण दिया जाए। मतलब कि लद्दाख में जो रहने वाले जो स्थानीय लोग होते हैं उनको जो है वो स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में क्या किया जाए? रिजर्वेशन दिया जाए यानी कि आरक्षण दिया जाए। ले और कारगिल के लिए एक-एक संसदीय सीट होना चाहिए। हाँ, ले और कारगिल, मतलब कि ले और कारगिल दोनों अलग-अलग है तो उनके लिए एक संसदीय जो है वो सीट होनी चाहिए। लद्दाख में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू किया जाए। हाँ, कह रहा कि लद्दाख के लिए जो है लद्दाख के लिए आपकी संविधान में 6ठी अनुसूची लागू किया जाए। अब 6ठी अनुसूची क्या होती है, चलिए हम इसको जान लेते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के चार राज्य असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में आपका स्वात जिला परिषदों की स्थापना की जाए। मतलब कि जो मिली है असम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम को जो मिली है वो हमको भी मिलना चाहिए। ये उनकी जो है वो सोनम वांगचू की डिमांड थी। ये स्वतः जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके उसके संरक्षण की परिकल्पना करती है। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 से और अनुच्छेद 275 के तहत प्रदान किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड, तो आपका केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को एक जो है वो संशोधन हुआ था, जिसमें कि जो है वो 370 जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजा गया था कि 370 हटाया जाए तो पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म हो जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। हाँ, उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। महत्वपूर्ण, लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दे। लेह और लद्दाख, लेह और कारगिल, जबकि वहां कह रहा था कि लेह और कारगिल के लिए जो है वो हमें एक एक सीट चाहिए, यानी कि यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि उसके लिए जो है वो हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए एक एक सीट चाहिए। ऐसा ही ले और कारगिल के लिए एक एक जो है वो संसदीय सीट चाहिए, तो ऐसा ही उन्होंने बोला था। लेकिन लेह और कारगिल को मिलाकर के लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था। 31 अक्टूबर 2019 को कारगिल की मैपिंग को आप देख सकते हैं, कारगिल जो है वो यहाँ है और लेह जो वहाँ है और जम्मू कश्मीर यहाँ है और लद्दाख जो है वो इधर है, कारगिल जो है वो इधर है। तो कारगिल हो गया, लेह हो गया, लद्दाख हो गया और जम्मू एंड कश्मीर ये हो गया। तो महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा, लद्दाख जो है वो भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में लेह और कारगिल दो जिले हैं, मात्र दो जिले हैं। और लद्दाख की राजधानी आपका कहाँ है, तो आप कहेंगे लद्दाख की राजधानी आपका है लेह है। कहाँ है जी? लेह है। लद्दाख के वर्तमान में उप राज्यपाल बीडी मिश्रा है और पैंगोंग झील, मतलब कि पैंगोंग त्सो लद्दाख में है। अब इसको हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं और उसको ट्रिक से देखते हैं। तो सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और उन्होंने 21 दिन तक रहे थे, जबकि 21 दिन तक रहे थे, 6 मार्च को उन्होंने बैठे थे और 26 मार्च को उन्होंने छोड़े थे। अब सोनम वांगचुक जो है वो भूख से रिलेटेड है, तो ऐसा लग रहा है कि वो खाने के लिए तरस रहा है, यानी कि ला रहे हैं। तो ला ला से लद्दाख हो जाएगा, ला से ला ला से लद्दाख रहे, मतलब सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर। सोनम वांगचुक आपको ऐसे भी याद रखे कि सोनम वांगचुक जो है वो भूख से रिलेटेड है और वो क्या करते हैं, ललाते हैं। क्या ललाते हैं, क्या ललाते हैं, तो आपका क्या कैसे ललाते हैं, तो आपका खाने के लिए ललाते हैं। क्या ललाते हैं? खाने के लिए ललाते हैं। उसके बाद में यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे आज कुछ नहीं दिखा, बाकी तो इसमें दो जिले हैं, लेह और लद्दाख है। और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसके बाद में यह इम्पोर्टेंट है कि लद्दाख की राजधानी आपका लेह है और लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल जो है वो आपका बीडी मिश्रा और आपका पैंगोंग झील जो आपका है वो लद्दाख में। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने, हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्ड फोर्स। तो कौन है, तो आपका है कि वो जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन बने, तो आपका है कि पीयूष आनंद बने। इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का मतलब होती है आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्ड फोर्स होती है, यानी कि तुरंत रिस्पॉन्ड करती है, महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अतुल अतुल करवाल का स्थान लिया। पीयूष आनंद यूपी कैंडर के वर्ष 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। अब मैं जानता हूँ कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्ड फोर्स एनडीआरएफ
कि जो है वो मामले में क्या है, यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एनडीआरएफ की गठन किया गया था। एनडीआरएफ की पूर्ण फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्ड फोर्स होती है, जिसकी स्थापना जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठन हुआ था, और स्थापना जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। उद्देश्य इसका जो रहा है वो आपका प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान विशेष प्रतिक्रिया प्रदान करना। इनकी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं जो होती है के दौरान विशेष प्रतिक्रिया में क्या करते हैं, प्रदान किया जाता है। हाल ही में की गई कुछ नियुक्तियां के बारे में बात करें तो आप कहेंगे कि गोविंद ढोलकिया, वो आपका सूरत डायमंड वॉर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साइमन हैरिस, आयरलैंड के सबसे युवा जो है वो आपका साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद में मरियम मैमन मैथ्यू डिजिटल न्यूज पब्लिक पब्लिक पब्लिशर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष बनाई गई है। मांशु अग्रवाल आपका जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर बने हैं, और आपका एमबी राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने, और आपका किरण रिजिजू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री बने। अब इसमें कुछ पॉइंट आती है जिसको हम लोग ट्रीट से देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ, एनडीआरएफ के फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि नेशनल नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्ड फोर्स होती है। आपको पता होगा कि जब वो मतलब कि जैसे देख लेते हैं कि एनडीआरएफ, एनडीआरएफ का मतलब होती है नेशनल डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब आपको याद आता होगा कि डिजास्टर मतलब होती है जैसे भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था तो उसमें आपदा आ गया था, तो डिजास्टर जो है वो आप एनडीआरएफ जो है वो आपदा से संबंधित है। दूसरा, जब आपदा आएगा तो आपके जो है वो आपको आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तराश रहेगा कि मुझे कैसे बेहतर करके जिंदगी उसका जो है वो मिल जाए, मतलब बिल्कुल आपके जिंदगी में आनंद है ही नहीं, तो बिल्कुल एनडीआरएफ में आपको आनंद नहीं है, तो ऐसे याद रखेगा। कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि ये तो हो गया, उसके बाद में आपका जो है एनडीआरएफ, अच्छा बिजली जब आया था हुआ था 2005 में हुआ था, और बिजली आने के समय में क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा बवाल हो गया था, तो उसके एक साल के बाद जो है वो आपदा आ गया था, इसलिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बनाया गया, यानी कि 2006 में ये हो गया। हाल ही में नियुक्तियां की बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया था कि गोविंद ढोलकिया, अच्छा गोविंद ढोलकिया जो कि सूरत डायमंड वॉर्स अध्यक्ष, गोविंद जो है वो ढोलक बजाती है, और उसके ढोलक में क्या रहती है, उस ढोलक के बाद आती है बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, और उसका ढोलक जो है वो आपका डायमंड की है यानी कि हीरा की है। तो ऐसे याद रखे गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड वॉर्स के अध्यक्ष है। साइमन हैरिस जो है अब आपका आयरलैंड के सबसे युवा पीएम है। साइमन हैरिस, अच्छा आयरलैंड, आयरलैंड मतलब होती है आय, आय आयरलैंड मतलब हम समझते हैं कि आय होती है, और आय आय जिसके पास रहेगा वो अच्छी अच्छी डिग्री लेगा, तो उसके जो अच्छे अच्छे डिग्री लेगा तब वो कि क्या होगा उसकी जो है वो नियुक्ति है जल्दी, मतलब अच्छे अच्छे आय, अगर अगर आय की बात करते हैं तो उसके पास आय रहेगा तो अच्छे अच्छे डिग्रियां लेंगे, और डिग्रियां रहेगा तो सबसे बड़े पद पर पहुंचेगा, सबसे बड़ा पद होती है पीएम की, और पीएम की लेगी तब वो अच्छे अच्छे चीजें खाएंगे तो क्या हो जाएगा उनकी फेस पर शाइनिंग आ जाएगी यानी कि लाइट आ जाएगी, बिल्कुल चमकेंगे। अगला देखते हैं कि मरियम मैमन मैथ्यू जो कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष है। मरियम मैमन मैथ्यू आपका डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की जो है वो अध्यक्ष। डिजिटल न्यूज ऐसा होता है जो आपके माथे में चलती है, तो डिजिटल न्यूज मतलब आपको लोगों को दिखती नहीं है, तो आपका माथा मतलब मैमन हो जाएगा, माथा मतलब मैमन हो जाएगा। हिमांशु अग्रवाल जो आपका जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर मतलब होती है कि डिप्टी मतलब होते हैं कि हमेशा ड्यूटी पर तैनात होती है, कमिश्नर का मतलब कमिश्नर होती है, और जल जल का जो है कमिश्नर कौन रहेगा, जो हिम हिम मतलब जो बर्फ से भी आगे रहेगा, क्या रहेगा बर्फ से भी आगे रहेगा, तो हिम मतलब होती है बर्फ, और बर्फ से भी आगे रहने वाला कौन होगा, डिप्टी कमिश्नर जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर रहेंगे।
एमबी राव। एमबी राव क्या होगा? तब कहेंगे एमबी राव होगा भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष होगा। अब एमबी राव से आप कनेक्ट सकते कह सकते हैं कि एमबी मतलब क्या आपको ध्यान आती है? एमबी मतलब होती है एमबी, एमबी मतलब होती है बीए, हमें तो ध्यान आते हैं बीए होती है, तो फिर एमबी डाटा वाला होती है। तो भारत में जो डाटा जो है वो बहुत ज्यादा सस्ती है, ऐसी अगर मतलब कि बिल्कुल रबी और खरीफ जिस तरह का से गर्मी के दिन में नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह से। किरण रिजिजू, अच्छा जब किरण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, किरण किरण जब आती है हमारे खेतों में, जब आती है तो हम लोग को लगता है कि अच्छा अब जो है वो उसमें खाद की जरूरत है, तो ऐसे याद रखिएगा। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि रूस के सोयुज MS-25 स्पेस क्राफ्ट के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया है? हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय रशिया सोफी सोई सोई MS-25 स्पेस क्राफ्ट। तो आपका कौन हो जाएगा? तो रूस के सोयुज MS-25 स्पेस क्राफ्ट के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया गया है? तब कहेंगे तीन को। कौन कौन हो जाएगा जी? तो रूस के सोयुज MS-25 स्पेस क्राफ्ट के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपका जो पहुंचाया गया है वो तीन को पहुंचाया गया है। अब तीनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इस स्पेस क्राफ्ट में नासा की एस्ट्रोनॉट मतलब उसका जो एजेंसी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसमें पहुंचाया गया। अब कहाँ कहाँ के तीनों है और क्या क्या रिलेटेड है? आप कहेंगे इस स्पेस क्राफ्ट में नासा के एस्ट्रोनॉट ट्रेसी कैल्डवेल डाइसन, उसके बाद में रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग ओलेग नोविस्की और आपका बेलारूस के तो ये आपका पार्टिसिपेंट मरीना वासिलिवस्काया सवार थे। ये तीनों सवार थे। कौन कौन नाम था? तो आपका ट्रेसी 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 कैल्डवेल डाइसन और आपका ओलेग नोविस्की और आपका मरीना वासिलिवस्काया। ये तीनों जो है वो नासा के स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS यानी कि नासा में आपका जो है वो गया है। नए क्रू मेंबर्स के स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद अब वहां एस्ट्रोनॉट्स की कुल संख्या जो हो गई 10 थी, तीन गई है और जो है 7 पहले से थी, तो कितना हो गया कुल संख्या? तब कहें कुल संख्या जो हो गई है स्पेस स्टेशन में 10 हो गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है, तो 400 किलोमीटर ऊपर जो है वो नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इसरो को भी स्पेस स्टेशन आपको बताओ कि 2036 तक लगभग लगभग बन जाएगी, तो ये आपको याद रखनी है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के मामले में बात कर रहे थे, तो आपका अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS एक बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है। 20 नवंबर 1998 को शुरू किया गया था, लगभग 93 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता 93 मिनट में क्या करती है वो जो है वो आपका स्पेस जो है वो आपका परिक्रमा करती है और आपका प्रतिदिन 5.5 कक्षाएं पूरा करता है। रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा 879 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया। तब कहेंगे रूस के अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम था ओलेग कोनोनेंको जो कि जो है वो सबसे ज्यादा रहने की रिकॉर्ड अभी तक दर्ज किया जो कि 879 दिन रहे हैं। उन्होंने अलग अलग समय अंतरिक्ष में जाकर ये यह रिकॉर्ड्स बनाया।
अंतरिक्ष में जाकर के जो है वो ओलेग ओलेग कोनोनेंको जो है वो 879 दिन रह करके रिकॉर्ड बना गया है, और अलग अलग स्पेस जो है अंतरिक्ष पर ये जाते हैं। अंतरिक्ष में प्रथम जो गए हैं उनकी बातें कर रहे थे, तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम जो व्यक्ति जो थे वो आपका मेजर यूरी गागरिन है, जो कि रूस के हुआ करते थे। फर्स्ट पर्सन टू इंटर स्पेस, कौन, क्या नाम है, मेजर यूरी गागरिन, ये पहला है तो ये पूछ सकता है। तो हम लोग चलिए इसको ट्रिक से देखते हैं। आपने अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले, अंतरिक्ष आपको कैसा दिखता है, अंतरिक्ष आपको काला दिखता है, तो आपका एक मेजर यूरी गागरिन है, तो अंतरिक्ष बहुत दूर है, मतलब कि वो काला काला दिखता है, तो अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन प्रवेश करेगा, जो गगनचुंबी होगा, जो गगनचुंबी होगा वही तो देखेगा ना। तो गगनचुंबी जो है वो सबसे पहले स्पेस में क्या करती है, एंट्री करती है, नहीं तो अगर गगनचुंबी अगर नहीं करेगा तो वो रूस जाएगा, तो गगनचुंबी ही करेगा। उसके बाद में आपका जो है वो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, प्रथम महिला, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो है वो आपका वेलेंटिना तेरेश्कोवा, वेलेंटिना तेरेश्कोवा कौन है, प्रथम महिला यात्री जो है वो आपका वेलेंटी वेलेंटिना तेरेश्कोवा। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो रहा था आपका वेलेंटिना तेरेश्कोवा रहा था। अब वेलेंटिना तेरेश्कोवा से आप क्या याद कर सकते हैं, प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेश्कोवा, आप जो ऐसी याद रहते हैं कि वेलेंटाइंस डे में, वेलेंटाइंस डे में, वेलेंटाइंस डे में तेरेश्कोवा, वेलेंटाइंस डे, वेलेंटाइन, वेलेंटाइन ऐसा फील आ रहा है, वेलेंटीना, तो वेलेंटाइंस डे में क्या होती है कि जो है वो महिला जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कि उतावुल रहती है कि मुझे जो है वो कहीं पे अलग जगह लेके चले, तो महिला जो है वो वेलेंटाइंस डे में सबसे क्या रहती है, तो आप कहेंगे कि मतलब तरसते रहती है। तेरेस्कोवा चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो नील आर्मस्ट्रांग था, जो कि 1969 में, 1969 में रखे थे, फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु जो रहा था वो आपका कुत्ता रहा था, जिसका नाम था लाइका, लाइका, तो जो 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 कुत्ता के आप लाइक करते हैं उसी को तो भेजिएगा ना, तो जो कुत्ता को आप लाइक करिएगा उसी को भेजते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पहला जो पशु रहा था वो आपका कुत्ता रहा था, जिसको आप लाइक करते हैं, तो लाइक किसको करते हैं, आप कुत्ता को लाइक करते हैं। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश जो रहा वो रूस रहा, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला जो देश रहा वो आपका रूस रहा, और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय जो रहा था वो आपका राकेश शर्मा रहा था। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय जो रहा था, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो रहा था वो आपका राकेश शर्मा रहा था। अब राकेश से हम लोग क्या रख सकते हैं, राकेश, राकेश जो राकेश शर्मा जो है वो आपका अंतरिक्ष में, तो राकेश इसके नाम से हम देख सकते हैं कि रा यानी कि रात, रात में जो है, रात में जो केस वो करती है, रात में वो केस करती है जो आपका जो है वो स्पेस में जाती है, ऐसे याद रख सकते हैं। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, प्रथम प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री जो है वो आपका कल्पना चावला, ये तो आपको याद होगा कि आपका जो है
इस क्वेश्चन को हम लोगों ने नहीं देखा, क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से देख लेते हैं कि रूस के सोयुज MS-25 स्पेस क्राफ्ट के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया गया। तो आपका इसको ही बहुत ही आसान है, आप कहें कि जो 3 लोगों को पहुंचाया गया है, तो SpaceX में जो स्पेस में कोई लोग अगर जा सकते हैं तो कितने लोग जा सकते हैं, तब कहेंगे 3 लोग जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये 3 शब्द से बना हुआ, तो ऐसे ही याद रख सकते हैं। बाकी याद करने वाली कोई और चीज है नहीं। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आपके जो है वो 1998 को शुरू किया गया था, आपका 20 नवंबर को 1998 को। आप रिलेट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल जो होती है ना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो 1998 में, तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल को आप देख सकते हैं कि इंटर जो लिखा रहा वो आपका 1 से लिखा रहा, और इसकी लास्ट जो हो रही है मतलब लास्ट वर्ड के जो है वो लास्ट जो हो रही है वो आपका हो रही है एस से, और एस को जब आप कुछ इस तरीका से मोड़िएगा मतलब उल्टा एस दीजिएगा तो वो 8 की तरह दिखेगा, तो 1998 ऐसे रिलेट कर सकते हैं। बाकी आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कर रहा न्यूयॉर्क में बिहार दिवस यानी कि 22 मार्च के अवसर पर भारतीय मूल के कितने लोगों को बिहार विश्व गौरैया सम्मान प्रदान किया गया है। हाउ मेनी पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन हैव बीन अवार्डेड बिहार 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 विश्वास गौरव सम्मान ऑन द ओकेजन ऑफ बिहार डे 22 मार्च इन न्यूयॉर्क। तो कहना चार चार प्रदान किया गया, तब कहेंगे चार किया गया, कितने लोगों को बिहार विश्व गौरैया सम्मान, तो चार चारों को प्रदान किया गया विश्व गौरैया सम्मान दिवस, बिहार बिहार विश्व गौरैया सम्मान, ये चार सबसे बना हुआ, तो आपका चार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में और भी बात कर लेते हैं कि आपका बिहार से संबंध रखने वाला भारतीय मूल के चार चार प्रमुख अमेरिकियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए बिहार दिवस के अवसर पर सम्मान किया गया है। बिहार विश्व गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति, बिहार विश्व गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले, बिहार विश्व गौरव सम्मान करने वाले प्राप्त व्यक्ति डॉक्टर डॉक्टर क्रिस सिंह, जो कि हॉलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक एवं सीईओ है। तो कहना डॉक्टर डॉक्टर क्रिस सिंह जो आपका है, डॉक्टर क्रिस सिंह जो आपका है वो हॉलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक एवं सीईओ रहे हैं। उसके बाद में और भी जान लेते हैं कि अमित चौधरी जो कि आपका विप्रो के सीओओ रहे हैं, डॉक्टर दिनेश रंजन जो कि आपका प्राण मेडिकल समूह के संस्थापक है, और आपका अभिनव अभिनव अतुल जो कि आपका न्यू ट्रिबेट फार्म केयर के निदेशक है। तो हो गया इन चारों के मामले में, तो इन चारों जो है वो इनको जो है वो बिहार सम्मान बिहार क्या दिया गया, तब कहें कि उनको जो दिया गया वो आपका दिया गया बिहार विश्व गौरव सम्मान दिया गया, चारों को दिया गया, चारों के नाम मैंने आपको रख दिया, जो कि आपका हॉलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ रहे हैं, डॉक्टर क्रिस सी रहे हैं, अमित चौधरी जो रहे हैं वो आपका विप्रो के सीईओ रहे हैं, और आपका डॉक्टर दिनेश रंजन जो कि आपका पर्ना मेडिकल समूह संस्थापक रहे, अभिनव अतुल जो आपका न्यूट्रीवेट फार्म केयर के निदेशक रहे हैं। बिहार दिवस मनाई जाती है 22 मार्च को मनाई जाती है, आपको पता होगा 2024 में बिहार राज्य का 112वां संस्थापना दिवस मनाया गया है। उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल के पृथक एक एक नए प्रांत बिहार का गठन किया था।
उसके बारे में हाल ही में जो अब ये पुरस्कार की हमें बात किया गया, सम्मान की बात किया गया, तो हाल ही में सम्मान दिया गया उनके बारे में बात कर लेते हैं। तब का वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार दिया गया आपका जेम्स वाइस और आपका वीना अग्रवाल को दिया गया है। पीएम मोदी को दिया गया ऑर्डर ऑफ द ड्रू ऑर्डर ऑफ द ड्रूग ग्वालपो दिया गया है। उसके बाद में प्रभा वर्मा को दिया गया है सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया। आज का वो इसको हम लोग ट्रिक से कर लिए थे, आप कहेंगे बिल्कुल कर लेते, क्योंकि बिहार विश्व क्या है जी, आप कहेंगे बिहार कौन सा था, आप कहेंगे बिहार विश्व गौरव सम्मान जो था वो आपका चार गो अच्छा था, चार गो से हम लोग रिलेट कर दिए। आज का छठा नंबर क्वेश्चन का था कौन सा भारतीय तट रक्षक जहाज जहाज फिलीपींस की मनीला खाड़ी की यात्रा पर गया है। तो कौन सा भारतीय तट रक्षक जहाज फिलीपींस की मनीला खाड़ी में की यात्रा पर गया है। तो कौन सा भारतीय तट रक्षक जहाज फिलीपींस की मनीला खाड़ी की यात्रा पर गया है। विच इंडिया कोस्ट गार्ड शिप हैज विजिट मनीला मनीला बे ऑफ द फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस की मनीला खाड़ी की यात्रा पर गया है कौन सा भारतीय तट रक्षक जहाज। तो आप कहेंगे वो जो गया है वो ICGS समुद्री पहरेदार गया है। अब इसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं, उसके पहले इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं कि भारतीय तट रक्षक जहाज यानी कि ICGS समुद्री पहरेदार 25 मार्च 2024 से फिलीपींस की मनाली फिलीपींस की मनीला खाड़ी की यात्रा पर है। समुद्री पहरेदार एक विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। क्या है समुद्री पहरेदार जो है वो एक विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज है जो कि प्रदूषण को नियंत्रित करती है। समुद्र पहरेदार मनीला फिलीपींस हो ची मिन्ह वियतनाम और आपका और मुआरा ब्रुनेई में बंदरगाह निरीक्षण करेगा। तो ये सब जितने भी जहाज है जिसके मैंने आपको समुद्र पहरेदार मनीला फिलीपींस और आपका हो ची मिन्ह आपका वियतनाम और मुआरा ब्रुनेई ये में बंदरगाह निरीक्षण की काम करेंगे। जैसे मैंने बात किया था कि आईसीजी की बात किया था, यहाँ पे क्या बात किया था हम लोगों ने आईसीजी के बारे में बात किया था, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की बारे में बात, भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। क्या किया गया था, भारतीय तट रक्षक की स्थापना जो है वो शांति काल में क्या किया था, शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। यानी कि इसकी औपचारिक स्थापना जो हुई थी वो 1 फरवरी 1977 को हुई थी और वर्तमान में इसकी महानिदेशक जो बनाई गई है वो राकेश पाल को बनाई गई है, जिसके मुख्यालय जो आईसी क्या नाम है आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के मुख्यालय जो आपका बनाई गई है वो न्यू दिल्ली में बनाई गई है। और तट रक्षक दिवस जो मनाई जाती है वो 1 फरवरी को मनाया जाती है क्योंकि 1 फरवरी 1977 को इसकी जो है वो ऑफिशियल स्थापना दिवस मनाई जाती है, ऑफिशियल स्थापना हुई थी। और आपका जो है वो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम काम करता। अब इसके बारे में हम लोग सब चीज जान लिए, अब इसका ट्रिक से देख लेते हैं कौन सा भारतीय तट रक्षक जहाज तट रक्षक का मतलब आपको ध्यान में आता है कि भारतीय तट रक्षक यानी कि भारत के तट रक्षक मतलब कि तट यानी कि भारत के जो है वो कोस्ट एरिया जो होती है उसको रक्षा करने के लिए कोई जहाज फिलीपींस की मनीला खाड़ी की यात्रा पर गया। अच्छा गार्ड जो है
अच्छा कौन जो है वो आपको जो है वो रक्षा करेगा, तो आपको कहेंगे पहरेदार जो है वो मैं। अच्छा कराईकल करेगा, डिगली डिगलीपुर करेगा, रत्नागिरी करेगा, बिल्कुल भी नहीं, वो पहरेदार करेगा। और पहरेदार होगा उसको में भी आपका जो है वो समुद्र लगा हुआ रहेगा, क्योंकि समुद्र को रक्षा करे तो समुद्र लगा हुआ रहेगा, तो समुद्र पहरेदार, और जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड नाम है, तो ऐसे याद रखेगा। और इसमें इम्पोर्टेंट जो आपका है वो आपका क्या है तब, अच्छा इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि हो चिन मिन वियतनाम का है, तो हो ची जब हो ची मिन बोलते हैं तो हमको लगता है कि चीन का मतलब अलग कंट्री का, तो अलग कंट्री का मतलब होता है कि वो हो ची मतलब कि ऐसा नहीं बोलता है कि जो अलग कंट्री का, तो अलग कंट्री में अगर आप ऑपरेशन ऑपरेशन वगैरह कराते हैं, पर क्योंकि प्रदूषण के मामले में बात करें तो हो ची होती है, तो हो ची में अगर आप जो कहीं भी अगर आप आ, आ, कुछ भी करते हैं तो आपको पूछता है कि हुआ जी मतलब कि जो आपका है वो अवहेलना करती है, यानी कि बियाना करती है, बियन तेरे बिन जिए ना तेरे बिन, ऐसा ना एक गाना है कि तेरे बिन जिए ना तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन, तो हो ची तेरे बिन हो ची तेरे बिन हो ची, तो तेरे बिन जिए ना तेरे बिन, ऐसे करके याद रख सकते हैं। आपका मुआरा ब्रुनेई, अच्छा मुआना ब्रुनेई, तो आप कहेंगे मुआरा, अच्छा मुंह आप याद रख सकते कि मुंह जब हम कब मूंदते हैं, जब हम लोग किसी गंदे शहर में जाते हैं, यानी कि जहाँ पे भ्रूण वगैरह रहते हैं, जहाँ पे मतलब श्वास लेने की जगह नहीं रहते, तो मुंह और ब्रू, तो मुआना तेरे बिन, ऐसे करके याद रख सकते हैं। भारतीय तट रक्षक बल के बारे में अब याद आता है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 फरवरी 1977 को हुई थी, जिसके महानिदेशक जो राकेश पाल है। राकेश पाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। जैसे महानिदेशक आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड जो राकेश है, अच्छा इंडियन कोस्ट गार्ड आप ध्यान रखते हैं तो आपको कि इसको जो ध्यान इंडियन कोस्ट गार्ड है, जो कि आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड आप जैसे ही माइंड में करिएगा, तो इसका जो है भारतीय तट रक्षक यानी कि रक्षा करेगा, रक्षा करेगा, और आपको जो है जब रक्षा करेगा तो आप कोई भी गलती करेगा तो आपको क्या जाएगा, डांटेगा, यानी कि डांटेगा, और आप उस पर जो है वो केस केस करेगा, तो उसपे केस नहीं होगा क्योंकि वो खुद राकेश है, जिसकी जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, जिसकी अंतर अंतर तटरक्षक दिवस जो है आपका 1 फरवरी के, यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन ने कहता है कि एबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, हु हैज बीन अवार्डेड द एबेल प्राइज 2024, तो कौन किया गया था, आप कहेंगे वो जो किया मिशेल टैला ग्रैंड, मिशेल टैला ग्रैंड जो है वो है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड एन टेलर्स, तो आपका जो है वो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेलर्स ने फ्रेंच नेशनल टेलर्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पेरिस फ्रांस के मिशेल
टेला ग्रैंड को 2024 में एवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेला ग्रैंड को यह पुरस्कार गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया। अब एबल पुरस्कार के बारे में जानते हैं कि एबल पुरस्कार जो है वो आपका नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रदान किया जाता है। एबल पुरस्कार जो है वो आपका नॉर्वे के एबल पुरस्कार जो है वो आपका नॉर्वे के राजा के द्वारा ये प्रदान किया जाता है एबल पुरस्कार। उसके बाद में यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? एबल पुरस्कार जो है वो आपका गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह नॉर्वे देश का पुरस्कार है। कहाँ का पुरस्कार है? तब कहेंगे नॉर्वे का पुरस्कार है। पहली बार यह पुरस्कार 2003 में दिया गया था। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? तब कहेंगे नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया। अब इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद करनी। अब याद करें तो आपको अपन तो करेंगे ट्रिक्स। एबल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो आप कहेंगे कि मिशेल 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 टेला ग्रैंड को। अच्छा, एबल एबल जो है वो किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे एबल पुरस्कार जो है आपका गणित से रिलेटेड है। और गणित में आपको क्या हो जाता है? टैलेंट होने चाहिए तब आप विकास कर पाइएगा। तो टैलेंट होनी चाहिए, यानी कि टेला ग्रैंड। तो आप कहेंगे एबल पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपका गणित में दिया जाता है। और गणित में जो आपकी जब तक टैलेंट नहीं रहेगी, जब जब तक आप जो है वो हाईलाइट नहीं हो जाएगा, आप जो है वो टैग लाइन में नहीं आएगा। टैला ग्रैंड मिसेल। और जब टैग हो जाएगा तो आप बिल्कुल मिसाइल की तरह जो है वो आप वायरल हो जाएगा। तो ये हो गया। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि एबल पुरस्कार को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एबल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे के राजा के द्वारा दिया गया था। ये गणित में दिया जाता था, ये नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता। इसे सबसे पहला पुरस्कार जो 2003 में दिया गया था। और इसका जो एबल पुरस्कार एक से दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, जिसकी पीडीएफ की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो मैथ में दिया जाता है, गणित में दिया जाता है। तो किसके नाम पर ही रखा गया था? तो आप कहेंगे नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया था। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन है, कहता क्या है? ठाकुर किस देश में भारत की राजदूत बने? तो अभय ठाकुर किस देश में भारत की राजदूत बने हैं? तो अभय ठाकुर हैज बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, यानी कि अभय ठाकुर किस देश में भारत की राजदूत बने हैं? तो भारत की राजदूत तो बने हैं वो आपका किस देश में बने? आप कहेंगे म्यांमार में बने हैं। अब इसको भी हम लोग ट्रिक से देखेंगे। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह विनायक कुमार का स्थान लेंगे जिन्हें रूस में नया राजदूत बनाया गया। विनायक कुमार को मैंने आपको बताया था, विनायक कुमार का आपको ट्रिक कि जब आप रूस में जाइएगा तो आपको विजय नहीं मिलेगा। म्यांमार के बारे में हम लोग बात जान लेते हैं कि म्यांमार जो है वो कुछ इस तरफ से लगा हुआ। अब म्यांमार की राजधानी जो है वो आपका है क्या है? तो म्यांमार की राजधानी जो है वो आपका नेपिडा है। कौन है राजधानी? तो नेपिडा है। वहां के राष्ट्रपति है आपका माइंट स्वेबे। कौन है? माइंट स्वेबे। मुद्रा जो है वो म्यांमार क्यात है। क्या है? म्यांमार क्यात है। म्यांमार की सीमा भारत के चार राज्य से लगती है। म्यांमार की सीमा जो भारत के चार राज्य से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में आपका नागालैंड, उसके बाद में मणिपुर, उसके बाद में मिजोरम, इन चार से लगती है। हाल ही में नियुक्ति की बात कर लेते हैं, तो हाल ही में नियुक्ति जो हुई है वो आपका तुर्कमेनिस्तान में अपॉइंटेड हुई है। आपका कौन हुई है राजदूत के रूप में? भारत के राजदूत के रूप में। तो आप कहेंगे तुर्कमेनिस्तान में हुआ आपका मधु मधु मधुमिता हजारिका हुआ है। अंगोला में आपका हुआ है
अंगोला में हुए हैं बिधु बिधु पी नायर हुए हैं, और आपका चेक गणराज्य में हुआ है नवीस कुमार हुए हैं, डेनमार्क में आपका हुए हैं मनीष मनीष प्रभात हुए हैं, और आपका जो है वो ग्रेंडा और डोमिनिका में आपका हुआ है प्रदीप राज पुरोहित हुए हैं। अब इसको हम लोग बहुत सारा ट्रिक इसमें बनाना पड़ेगा, तो देखिए इसमें ट्रिक जो है वो क्या है। आप कहेंगे अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत बने? राजदूत का मतलब आप समझते हैं कि यानी कि राजा का दूत बनते हैं, यानी कि भारत के कोई ऐसे इंसान है जो अकबर राजा के दूत बनते हैं, राजा के दूत बनते हैं। अच्छा, राजा के दूत बनने के लिए आपको जो अभय ठाकुर किस देश के भारत के राजदूत बने, तो अभय ठाकुर, अच्छा वो अगर अभय ठाकुर जो है वो ये तो क्वेश्चन आएगा, तो अभय अभय आ भाई मतलब होती है कि आपको जो है भय नहीं लगती है, भय नहीं लगती किसी भी चीज से, नहीं लगती यहाँ की मार धार से भी आपको जो है वो डर डर नहीं लगती है। तो इसके नाम में हुआ है म्यांमार, म्यांमार यानी कोई भी आपको मारने के लिए जो तैयार होती है तब उसको जो है वो डर नहीं लगते, क्योंकि उसका नाम जो है अभय है। ये हो गया। अच्छा, विनय कुमार से मैंने आपको बताया था कि जब आप रूस में जाइएगा तो आपको जो है वो विजय नहीं मिलेगा। म्यांमार की बात कर रहे थे, तो म्यांमार में आपका ये तो याद करना पड़ेगा, शायद राजधानी जो है वो आपका नई पाड़ा है, म्यांमार से आप लेटे नहीं कर सकते ऐसे ऐसे, आपको जो है वो नैया नए पीटा ऐसे, राष्ट्रपति आपका है माइंट स्वेबे है, और मुद्रा जो है वो आपका म्यांमार क्वात है। म्यांमार की सीमा भारत के चार राज्य से लगती है, आप आंख बंद करके बोलिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद में मिजोरम, इन चारों है। अच्छा, नियुक्ति हाल ही में हुआ है तुर्कमेनिस्तान में आपका हुआ है, तुर्कमेनिस्तान में आपका हुआ मधुमिता मधुमिता हजारिका हुआ है, कौन हुआ था आपका तुर्कमेनिस्तान में आपका मधुमिता मधुमिता हजारिका हुआ। अब इसको आप कैसे याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान 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 हुए, तुर्कमेनिस्तान का आप ऐसे याद रखिएगा, तुर्क 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 में तुर्क यानी कि तुर 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 जब हम करते हैं तब तो हमारे मुंह से मधु की आवाज निकलती है। अंगोला 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 गोला फेंकते हैं तो हमारे जो है वो क्या हो जाती है, गोला जब फेंकते हैं तो हमारे जो है बहुत सारे जो कहते हैं कि तो एकदम हीरो की तरह लगता है, हीरो मतलब नायक नायक की तरह लगता है। चेक गणराज्य, अच्छा जब 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 चेक उसका रवीश कुमार है, कौन है रवीश कुमार। अच्छा, चेक गणराज्य से आता है कि आपके जो है वो चेक चेक तो आपका जो है वो चेक कब करते हैं, जब आप रवीस से आते हैं, रवीस मतलब होती है कचरा, जब कचरा कचरा को जब आप फेंकते हैं तो क्या करते हैं उसको चेक करते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। डेनमार्क का आपका है मनीष प्रभात, डेनमार्क डेनमार्क से आप याद रख सकते हैं कि डेनमार्क मार्क डेनमार्क मतलब कि ऐसा कोई भी चीज लेता है तो आपको हॉलमार्क पर मिलती है, हॉलमार्क पर मिलती है तो आपको क्या करते हैं मनीष यानी कि उसको जो है वो हॉलमार्क पर मिलती है तो उसको जो है आप छोड़ देते हैं, यानी कहते हैं कि भाई मैं जो है वो इसको नहीं लूंगा, मैं जो है इसको नहीं लूंगा, मेरे मनीष प्रभात। अच्छा, उसके बाद में ग्रेंडा और डोमिनिका डोमिनिका ग्रेंडा और डोमिनिका आपका प्रदीप राज पुरोहित है, इसको शायद आप देख लीजिएगा। आज का 9वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि लॉ लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे जिन जिन्होंने जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तब कहेंगे ऋतु राज है, कौन है ऋतु राज अवस्थी है। लॉ कमिश्नर के अध्यक्ष जस्टिस जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने कानून एवं न्याय मंत्रालय को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जस्टिस अवस्थी ने नवंबर 2022 में आयोग के चेयरमैन पद की शपथ ली है। इससे पहले जस्टिस अवस्थी कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। विधि आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं, यानी कमिश्नर के बारे में जान लेते हैं कि विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकार आवश्यकता अनुसार आयोग नियुक्त करते हैं। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष यानी कि आपका जो प्रेजेंट मेजर कमीशन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं
अरविंद पनगड़िया बने और आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जाति आयोग के अध्यक्ष बने आप। आपका किशोर मकवाना बने। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बने अब आपका हंसराज अहीर बने। और आपका राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो होती है वो आपका रेखा शर्मा बनी है। और आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने वो मनोज सोनी बनी है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए सबसे पहले आप जान लेते हैं कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं जिन्होंने जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिए। अच्छा, पद से इस्तीफा कौन देगा, जो जो लॉ लॉ के मामले में पद से इस्तीफा कौन देगा, जो लॉ के मामले में नहीं रहेगा। तो लॉ के मामले में कौन नहीं रहता, तो आप कहेंगे उसमें जो रहता है वो ऋषि मुनि नहीं रहता, तो ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी है कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस ऋतु ऋतुराज अवस्थी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कानून एवं न्याय मंत्रालय को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जस्टिस अवस्थी ने नवंबर 2022 में आयोग के चेयरमैन पद की शपथ ली। इससे पहले जस्टिस अवस्थी कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हो चुके। विधि आयोग के बारे में देख लेते हैं कि विधि 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 संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकार आवश्यकता अनुसार आयोग नियुक्त कर देती है। प्रमुख आयोग अध्यक्ष के बारे में बात करें तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो रहे हैं वो आपका रहे कौन रहे, तो 16वें वित्त आयोग के जो रहे हैं अध्यक्ष जो रहे हैं वो आपका अरविंद पनगड़िया रहे। कौन रहे, अरविंद पनगड़िया रहे। और आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो रहे हैं वो आपका किशोर मकवाना रहे। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष जो रहे हैं वो आपका हंसराज अहीर रहे हैं। और आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो रहे हैं वो आपका रहे हैं कौन, रेखा शर्मा रहे। और आपका जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो रहे वो डॉक्टर मनोज सोनी रहे हैं। आज का 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको हम लोगों ने ट्रिक से देखा, तब कहेंगे बिल्कुल देखा, क्योंकि लॉ कमीशन के अध्यक्ष से इस्तीफा दे कौन, जिसको जो है वो ऋषि रहे हैं। ओबीसी में आपका आती है अही ओबीसी में आपका आती है अहीर आती है, इसलिए अहीर को बनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो रहेगा वो आपका रेखा शर्मा रहेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्र राष्ट्र में आप जो है वो रेखा खींच दीजिए। संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष जो है वो आपका डॉक्टर मनोज सोनी। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, वेनिज वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट, तो कौन है, तो आपका वो थिएटर डे मनाई जाती है 27 मार्च को मनाई जाती है। दुनिया भर में हर साल 27 मार्च का दिन वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में हर साल 27 मार्च का दिन जो है वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। थिएटर से जुड़े कलाकारों को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाई जाती है। साल 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना की थी। यह इंस्टीट्यूट यूनेस्को का एक सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन है। मार्च में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाई जाती है और 20 मार्च को बीस मांगते हैं यानी कि हमको प्रसन्नता दिवस, खुश रहने के लिए सरकार जो है वो कहती है। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस भी मनाते हैं। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस भी मनाते हैं। 21 मार्च को आपका जो है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और आपका 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग मनाते हैं। अब उसके बाद इसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं कि विश्व रंगमंच दिवस मनाई जाती है वो 27 मार्च को मनाई जाती है। अच्छा, विश्व रंगमंच दिवस हम लोग मनाते हैं कब मनाते हैं,
आपका यहाँ के जितने भी कलाकार होते हैं उनको जो है वो हम लोग क्या करते हैं, तो आपका रंगमंच पर ला करके जो है वो उसको सम्मानित करते हैं। क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं। साल 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने 20वां रंग दिवस की स्थापना की थी। 1961 में इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। इतनी बात ध्यान में आ गई। अब इसको 20वां रंगमंच, अब 20वां रंगमंच इतनी बात हो गई ध्यान में कि 20 में जो है वो हम लोग रंग पर जो है मतलब रंग मंच पर चढ़ करके लोगों को रंग देने की काम करते हैं। यानी कि रंग देने की काम करने का मतलब ये हुआ कि उनको जो सम्मान करते हैं। तो देखिएगा आप 27 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 27 को ऐसा देखिए, कोई दूर जो है वो आदमी झुका हुआ है और ऊपर से ये जो है वो उसका सम्मान कर रहा। तो ऐसे ही आप याद रखिएगा, तो ऐसे ही याद रहेगा। चलिए अब जो हमारे होने वाले हैं वो आपका बुलेट की तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपके नजरों की तरह से निकल जाएंगे। तो इसके लिए तैयार हो जाइए, लगाने के लिए आप कितना लगा पाते हैं आपको पढ़ने के लिए। तो आप अगर इसको सही लगा पाते हैं तभी आपका इसका फायदा है, अन्यथा फायदा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोग किस राज्य में किया गया था? पर्पल पर्पल उत्सव जो है वो किया गया है गोवा में। किस राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला था? उड़ीसा को। बिम्सटेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला था? इंद्रमणि पांडे ने संभाला। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाती है? 9 जनवरी को मनाई जाती है। सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आपका बने हैं जी राम मोहन राव ने बने हैं। किस देश में 110 साल बाद डॉट मीट पर बैन कर बैन पर बैन लगाया गया है? आपका दक्षिण कोरिया पर। अटल बिहारी वाजपेयी सेवेरी 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 नाम हो नाहवा नाहवा सेवा सेतु सेतु किस राज्य में स्थित है जिनका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया? तब कहेंगे वो महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समाप्त कब से कब तक किया मनाया गया? तब कहेंगे 11 से 17 जनवरी तक मनाया गया। CREA के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तब कहेंगे भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो आपका है वो बर्नी हॉट है। कौन है? बर्नी हॉट है। हाल ही में अभी देख लेते हैं कि 27 मार्च को हाल ही में सक्षम ऐप को किसने हाल ही में सता हाल ही में हाल ही में हाल ही में सत हाल ही में सत हाल ही में सक्षम ऐप को किसने लॉन्च किया? तो सक्षम ऐप को लॉन्च किया आपका भारतीय निर्वाचन आयोग ने। भारत का कौन सा शहर एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया? तब कहेंगे मुंबई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तब कहेंगे कोलंबो में। कौन सा देश भारत का पांचवा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति बना? तब कहेंगे वेनेजुएला। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के द्वारा किसके सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया? तब कहेंगे जयंती पूर्ति। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? तब कहेंगे कार्लोस सैमजे। आपका जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? तब कहेंगे राजस्थान। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को किस नाम की मंजूरी दिया था? कहेंगे शिव शक्ति पॉइंट। आप कहेंगे फूल बहादुर नामक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तब कहेंगे वो किया है उभय ने। यूपीएससी में निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तब कहेंगे हंस मिश्रा को किया गया। आज का सवाल आपका राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल यानी कि NDRF महानिदेशक कौन बने? आप जो हम लोगों ने दिया था उसके पहले जो होमवर्क दिया था उससे रिलेटेड आपका जो होमवर्क और मिलने वाली है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो आपका है डोरंड रेखा जो है वो किसके बीच है? आपका डोरंड रेखा जो है आपका पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में। किसके बीच में है? आपका डोरंड रेखा जो है वो आपका पाकिस्तान और आपका जो है वो अफगानिस्तान के बीच में आपका डोरंड रेखा।
बैंक मुहर रेखा किसके बीच है? तो आपका बैंक मुहर रेखा जो आपका है भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिप रेखा किसके बीच है? तो आपका रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। आपका सत्तरवीं समानांतर रेखा जो है, सत्तरवीं समानांतर रेखा जो किसके बीच है? तो आपका वो है उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम के बीच में। किसके बीच में? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में आपका सत्तरवीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा जो है किसके बीच है? तो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका जो है वो कौन है? 24वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? तो आपका उत्तरी उत्तर कोरिया और आपका जो है वो दक्षिण कोरिया के बीच में है। उसके बाद में 49वीं समानांतर रेखा जो है वो आपका अमेरिका तथा कनाडा के बीच में है। उसके बाद में हिंडनबर्ग रेखा जो है वो किसके बीच में? तो आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। आपका ओडरनास रेखा जो है किसके बीच में है? तो आपका वो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। उसके बाद में मैगिनॉट रेखा जो है वो आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। उसके बाद में सीज फ्राइड रेखा जो है वो आपका जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है। आप जो हम लोग कल दिए थे वो आपको हम पूछने की कोशिश करते हैं, ये या आपको याद है कि नहीं है। इतिहास के प्रमुख घटनाएं एवं उसके घटित जो है वो वर्ष। भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था वो कब हुआ था? आपका 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर का निर्माण जो हुआ था वो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में हुआ था। और गौतम बुद्ध का महान परिनिर्वाण जो हुआ था वो 483 में हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो हुआ था वो 326 से 325 में हुआ था। और अशोक द्वारा कलिंग पर जो विजय प्राप्त किया गया था वो आपका कब किया गया था? तो आपका वो जो किया गया था 261 में किया गया था। विक्रम संवत का आरंभ जो है वो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। और शक संवत का आरंभ जो है वो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। हिजरी संवत का आरंभ जो हुआ था वो 622 ईस्वी में हुआ था। और आपका फाहन की भारत यात्रा जो हुआ था वो 405 से 411 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन का शासन जो रहा था वो आपका 606 से 647 तक ईस्वी तक रहा था। हेन सांग की भारत यात्रा जो हुआ था वो 630 ईस्वी में हुआ था। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो किसी ने किया था वो आपका 1025 में किया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो आपका 1192 में हुआ था। और गुलाम वंश की स्थापना जो हुआ था वो आपका 1206 में हुआ था। वास्को डी गामा ने भारत भारत वास्को डी गामा को भारत में आगमन हुआ था 1498 ईस्वी में। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो आपका 1556 में हुआ था। और पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। अकबर का राजरोहण जो हुआ था वो 1556 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को हुआ था। दीन ए इलाही की स्थापना हुआ था 1582 में हुआ था। और पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो हुई थी वो 1793 में हुई थी। बंगाल में प्रथम विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी। और मार्लो मिंटो सुधार जो आया था 1909 में आया था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 14 से 18 के बीच में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 39 से 45 के बीच में हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो आपका 1920 से 1922 तक चला था। और साइमन कमीशन का आगमन जो हुआ था 1928 में हुआ था। और दांडी मार्च नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन का योग जो हुआ था वो 1946 में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या जो हुई थी 1948 में हुई थी। और चीन का भारत पर आक्रमण जो हुआ था 1962 में हुआ था। और भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था वो 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो 1565 में हुआ था। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1776 से 1869 तक हुआ था। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से 1784 तक हुआ था, सॉरी 1779 से 1776 तक हुआ था। और तृतीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1790 से 1792 तक हुआ था। और उसका चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1799 तक हुआ था। और कारगिल युद्ध हुआ था वो 1999 तक हुआ था, 1999 हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो आपका 1931 में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1932 में हुआ था।
क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था वो मार्च 1942 में हुआ था, और चीनी क्रांति जो हुआ था वो 1911 में हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो 1789 में हुआ था, और रूसी क्रांति जो हुआ था 1917 में हुआ था। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे आपको जो है वो पीडीएफ और नोटिफिकेशन बाकी सारे चीज मिलते हैं। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, उस बगल वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि जैसे मैं हमारा वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके फोन में तुरंत मिले, और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं। इसके बाद मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।